में कि गन्ने की फसल जो बड़ी मेहनत से की गई आज वो कट रही है। हमारी खेती भी कट रही है, गन्ना कट गए, जानवर कहाँ रहेंगे, हम कहाँ जानवर रहेंगे। अभी हम तुम्हारा देंगे, बैठे रहो, थोड़ी देर भाई साठ में तो वैसे गड्ढा बनाऊ का बड़ा परेशानी हाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं, हमका बच्चन खिला में खेती पाती सब कटी गई, उखारी भाई कटती और गेहूँ मका जो कुछ होता सब कटी गो, काम बच्चन कहाँ लेके चाहेंगे, मर जाए का। अधिकारी और यहाँ के नेतागढ़ क्या कर रहे हैं? नेता नगर काम नहीं सुनी, ना कोई देखे ना बूढ़े तरह कहता हूँ सत्तर है बाद बकीन साहब के बाद मर कोई नहीं आ यहाँ भाई मंदिर दिक्कत है। अधिकारी शिकायत की? हाँ अधिकारी ने कर चुके हैं, हाँ सबसे कर चुके हैं, हम जाए वहाँ फतेहगढ़ जाए के डीएम से कही जाए का कह दिया हमने कैसू हमसे कह दे तो उतर नहीं भाई। क्या नाम है? विजय पाल। कौन सा गांव है? हर सिंहपुर कायत। क्या समस्या है आपको? समस्या साहब हमारे गांव का कटान बहुत ज्यादा हो चुका है और कम से कम 2000 बीघा जमीन कट चुकी, गन्ना कट चुको, धान कट चुको, तिली बाजरा जो सब कट चुको और इसे ही से हम लोग परेशान है। प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं? प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। शिकायत वगैरह की थी? शिकायत करी, सब जने गए बंगला पे गए मगर कोई सुनवाई नहीं भाई। अगर आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर? तो समस्या को अगर समाधान नहीं बहुत तो आत्महत्या करवा दी सब लोगों ने किया अपने आप में लिखे होने। हमारा नाम सुरेंद्र पाल। गांव में क्या समस्या है? गांव में समस्या जा है कि हमारे गांव में कोई विकास भी आज तक नहीं हुआ, ना तो कॉलोनी कोई बनी है, ना लेटरिन साफ उतरे, ना तो कोई सड़क साफ उतरी, अब ना कोई विकास है। हमने इस डीएम साहब से जा बात कही, हमारा गांव चल के देख लेना कि आप जो आए हो आप देख सकते हैं हमारा गाँव, हमारे गाँव कोई विकास नहीं है, हमारे गाँव ना तो रोड है अब ना तो स्कूल के लिए कोई व्यवस्था है अब ना आज तक किसी अधिकारी ने सुनी भी नहीं, अब ना सफाई कर्मचारी आईबो तो गली देखने लेना आती, लाइट है सेक्रेटरी तक ले जाता है कोई भी नहीं आता था, लाइट आट कोई चीज है ही नहीं, आज तक कोई भी अधिकारी आउतो तो सबूरी दिल में आ जाती है हमारे गाँव दिखो आया गैर आवाज समझो। विधायक मेरा या सांसद कोई आया? कोई भी साहब नहीं, सांसद पास गए विधायक पास गए लेकिन आज तक नहीं आओ। चुनाव टाइम वोट मांगने आते हैं? हाँ चुनाव टाइम वोट मांगने आते हैं, अब गिरफ्तार देंगे साहब। कटाव कर रही है साठ का महीने हो गए, 5 महीना हो गए, 5 महीना लग गए। प्रशासन से कोई आया पूछने? सो कोई नहीं पूछना, एक आयो और उन्हें बंदा बांधो, सो जो बंदा भीतर हुई गो यही आते क्या दिक्कत आ रही गंगा कटान से? गंगा कटान बहुत दिक्कत, खेती कट गई, गांव भी कट गई। लगभग कितने बीघा जमीन कट चुकी है अब तक? गांव 5 बीघा, कम से 5-10 बीघा ज्यादा कट गई हुई, व्यापारी तो कटो घर का 500 बीघा जमीन। प्रशासन से कोई नहीं आया अभी तक? आए वो खाली देखे गए, समस्या कोई समाधान नहीं हुआ, समाधान कुछ नहीं हुआ। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप लोग? फिर तो बने ही रही।
क्या जो गंगा कटान है उसमें क्या मतलब क्या परेशानी समस्या है? सर मेरी सारी फसल चली गई, गन्ना चलोगो, धान चलोगो, उखारी चली गई, जमीन चली गई, मक्का चली गई, हमारी सर खेती उजाए रही, हमारो मकानों उजाए रहो, तो हम लोग कोई अनपढ़ हैंगे सब जने, कोई नौकरी पैसा ना है, हम लोग सर खेती के निर्भर हैं। अगर मेरी जमीन जो चली गई तो हम जाए डैम के बंगला पर मैं बाल बच्चन से आत्महत्या कर ली सब लोग। प्रशासन से अभी तक कोई प्रशासन कोई प्रशासन नहीं, मेरी खाली लक्ष्मण सिंह वकील के बाद और कोई सर ना कोई नहीं सुन रो, ना एमपी सुन रहे, ना कोई विधायक सुन रो, प्रधान से वगैरह कही गई, कोई नहीं सुन रो मेरी, केवल खाली लक्ष्मण सिंह वकील सुन रहे, अपने पैसा से टका से अपने सबसे गुया से सब बे मेरी जो कुछ लगे हम लोगों के पास कछु ना है, बे अपने तीर्थ कागज पत्र लिखा बे मेरी लोग थीन रहे, हम लोग डैम के यहाँ अगर ऐसी अगर कोई समस्या मेरी हल नहीं भाई है तो हम लोग सब बाल बच्चन सहित जब मेरे खानों को ना रही, मकानों रहन के लिए ना रही, जमीनों ना रही और हमारे कोई नौकरी ना, अगर इस घटना का अगर कोई अगर ना जब अगर भाई अगर इसकी मेरी मांग अगर पूरी ना भाई बंदा ना लगो ठोकरें ना लगी तो हम लोग भूख हड़ताल करके और डैम के बंगला सब लोग आत्महत्या कर ली मर जाएंगे।